मैं संजीव शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़े सोच विचार के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इस जो DDC इलेक्शन अभी जो चल रहे हैं, इस पूरे इलेक्शन में एक डिस्ट्रिक्ट की कमेटी का एक सरकर्दा, एक पोस्ट पे हमारे पास एक पोस्ट है, एक ओहदा है, लेकिन ना ही डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने और ना ही हाई कमांड ने इस बार इतनी जहमत हमें दी कि हमसे पूछा गया कि इलेक्शन हो रहा है क्या, इलेक्शन में किस तरह के कैंडिडेट को कंटेस्ट करना चाहिए, या हमसे कोई भी राय जो है नहीं दी। तो लिहाजा आज बड़े ही एक दुखी मन से जो मेरे पास जो कांग्रेस की जो एक पोस्ट है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की, वो मैं छोड़ रहा हूँ, उससे रिजाइन कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं इस पोस्ट के ऊपर एक डमी बन के बैठा हुआ हूँ। अगर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद पार्टी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है, पार्टी ने हमसे ये पूछा ही नहीं कि कहाँ इस इलेक्शन में आपका क्या रोल रहेगा, इस इलेक्शन में पार्टी किस तरह से इलेक्शन लड़ेगी। तो हमने ये समझा, मेरे साथियों ने ये समझा कि शायद पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं। तो लिहाजा मैं आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का है, उससे मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। हालांकि हम पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पार्टी की नीतियाँ, खासकर मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, पुंछ में जो पुंछ ब्लॉक, बड़े दुखी मन से जी मैं कह रहा हूँ कि पुंछ का एक दो ब्लॉक ऐसे थे जिसमें जो माइनॉरिटी में यहाँ हिंदू सिख लोग रह रहे हैं, उनको पार्टी को नुमाइंदगी देनी चाहिए, क्योंकि ये दो ब्लॉक ऐसे थे। हम भी उम्मीद करते थे कि पार्टी ज़रूर जो है, जो हम लोग यहाँ माइनॉरिटी में रह रहे हैं, पार्टी ज़रूर हमारी तरफ भी देखेगी। अगर पार्टी हमारा वोट चाहती है तो हमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी जाए। हम बहुत देर तक ये देखते रहे, शायद पार्टी हमसे पूछेगी, लेकिन इतना दिन वेट करने के बाद भी आज इलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ वोटिंग है, लेकिन आज तक पार्टी ने हमसे पूछा ही नहीं है कि आपका भी कोई रोल है, आप भी इस पार्टी में इतने सालों से, मेरी 3 पीढ़ियां जो है वो इस कांग्रेस पार्टी में रही, लेकिन पार्टी ने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा। लिहाजा मैंने ये खुद समझा कि शायद पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम जिस पोस्ट पर बैठे उनकी ज़रूरत नहीं, और लिहाजा हम पार्टी के उस ओहदे से जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। रही बात पार्टी की, हम आज भी पार्टी के बीच हैं, लेकिन अगर पार्टी की यही नीतियां हमारी तरफ रही, हमारे लोगों की तरफ रही कि पार्टी ने हमें इग्नोर किया, तो शायद इन फ्यूचर हमें यह भी सोचना पड़े कि शायद हमें पार्टी को भी छोड़ना पड़े। शर्मा साहब, एक बात बताएं, लगातार आपके कई सीनियर नेता जो कांग्रेस छोड़ भी रहे हैं और इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि आपको कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा यहाँ पे? बिल्कुल, कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और इसकी जो मैं सबसे बड़ी जो गलती, जो हमारे सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट है, उनको चाहिए था कि जितने भी लोग हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर आगे चला जाए, लेकिन किसी ने हमसे नहीं पूछा, ना ही वो यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी हो, चाहे वो स्टेट की बॉडी हो, किसी ने ये जहमत ही नहीं की कि हम पूरी कांग्रेस का जो परिवार है उसको बिठा कर कोई भी डिसीजन लिया जाए। तो लिहाजा बिल्कुल इससे काफ़ी पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, पार्टी टूटने के कगार पे जा रही है, खासकर उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बात करूँ। अभी आपने वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ा, तो आने वाले दिनों में अगर किसी बड़ी पार्टी से आपको ऑफर आती है तो क्या आप उस पार्टी में जाओगे? देखिए, अगर पार्टी से हमारी विचारधारा मिलती हो तो ज़रूर हम, क्यों नहीं, अगर हमारे किसी के विचार हमसे मिलते हैं, अगर हमें लग रहा है कि ये पार्टी हमारे इस एरिया के लिए ही बॉर्डर एरिया है, आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ शेलिंग हो रही है, हर कई किस्म की परेशानी है, अगर कोई पार्टी ऐसा इनिशिएटिव लेती है, जब कोई कैंडिडेट ऐसा इनिशिएटिव, हमें लग रहा है कि उसका विज़न अच्छा है, तो ज़रूर हम, क्यों नहीं हम, अगर पार्टी अगर कोई अच्छी विज़न, ऐसे विज़न वाली पार्टी होगी, हम ज़रूर जाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस में नौजवान, एक तरफ कांग्रेस बात कर रही है कि नौजवान चेहरे आगे आए, और दूसरी तरफ जो नौजवान चेहरे हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है? बिल्कुल, इस बार के इलेक्शन में जितने भी नौजवान चेहरे थे कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। देखिए, आप यहाँ वो क्या रहा है कि MLA का कैंडिडेट भी वही, MLC का कैंडिडेट भी वही, DDC का अगर कोई कंटेस्ट करे वही कैंडिडेट, ये क्या है? तो बाकी जो वर्कर जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी ये उम्मीद रहती है, अगर हम बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कम से कम पार्टी हमें यहाँ तो रिकॉग्नाइजेशन दे कि हम छोटे इलेक्शन लड़े। और एक बात और कहता चलो, हमारा यहाँ एक ऐसा मैंडेट था कि हमारे एक नौजवान लीडर हैं रियाज नाज करके, उनका मैंडेट आया हुआ है जम्मू से, लेकिन उन्होंने, उनको मैंडेट ही नहीं मिला, और उन्हें मजबूरन जो है वो इंडिपेंडेंट फार्म भरना पड़ा। ये तो हालात है पार्टी की यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर।